गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनारसी कुर्ती बनाने वाले हैं, तो इसके लिए जो मैंने ये कपड़ा लिया है ये है 2 मीटर्स और ये प्योर बनारसी है। मैं आपको इतना ब्यूटीफुल क्लोथ है, मैं आपको इसे खोल के पूरा दिखाऊंगी। पहले मैंने अपने कपड़े को यहाँ पे डबल फोल्ड करके रख लिया है। पहले हम फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे। हम यहाँ पे शोल्डर पहले मार्किंग करेंगे। हमारा जो शोल्डर है वो है 7.5 इंच, आधा इंच हम स्लीव्स की सिलाई में लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। इसके बाद हमारा जो आर्म होल का मार्किंग आएगा वो 7.5 इंच का आएगा। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग के लिए यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इसे यहाँ पे शोल्डर की तरफ जॉइन कर लेंगे। हमारा जो आर्म होल का कर्व आएगा वो 1.5 इंच में आएगा, तो मैं यहाँ पे 1.5 पे मार्किंग कर लूँगी फ्रंट और बैक दोनों के लिए। अब मैं इसमें कर्व शेप दे दूँगी। हमारा जो चेस्ट का मार्किंग है वो है 8.5.2 इंच, उसमें मैं 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर दूंगी। यहाँ से जो हमारा कमर की मार्किंग आएगी नीचे की तरफ, पहले हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसी तरीके से हम नीचे की तरफ 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा जो कमर का मेजरमेंट है वो है 7.5.2 इंच। हम इसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हम सीट के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। हमारा जो सीट का मेजरमेंट है वो 9.2 है, इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। अब मैं इसे पूरे में जॉइन कर लूँगी। जो हमारे कुर्ती का लेंथ आएगा वो है 45 इंच। मैं नीचे की तरफ यहाँ पे 45 इंच पे वैसे मार्क कर लूँगी। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से इसे जॉइन कर लेंगे। अब हम अपने गले पे मार्किंग करेंगे। मैं इसे यहाँ पे बोट नेक बनाने वाली हूँ। हमारा जो शोल्डर आएगा वो 2.5 इंच का आएगा। हम 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन डालेंगे जो हमारे स्लीव्स में जाएगी, तो मैं यहाँ पे 3 इंच में मार्क कर लूँगी। और जो हमारा गले का लेंथ आएगा वो भी 3 इंच आएगा, मैं इसे यहाँ पे भी मार्क कर लूँगी। अब मैं इसे यहाँ पे शेप दे दूँगी बोट नेक का। हमारी कुर्ती पे हमारे कपड़े पे मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसे कट कर लेंगे। हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो चुका है, अब मैं इसे अपने बैक वाले पार्ट पे प्लेस कर लूँगी। मैंने अपने फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पे डबल फोल्ड कपड़े पे रख लिया है। मैं इसे पूरे में मार्किंग कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। मैंने अपने बैक वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में जो हमारा बैक का आर्म होल है उसे कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा जो ये आर्म होल है हम इसे कट कर लेंगे। हमारा फ्रंट का आर्म होल डीप होता है, इसलिए अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
मैंने ये जो कपड़ा लिया है यहाँ से इसकी चौड़ाई हम 8.5.2 रखेंगे, उसमें हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये होता है 9.2। 8.5.2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी जो चेस्ट की फिटिंग है वो 8.5.2 है, उसमें हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं तो हमारी जो लेंथ है वो है 3 इंच, उसमें हम 1.5.2 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से हम इसे बॉक्स बना लेंगे। यहां से हम 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो हमने अंदर फिटिंग के लिए, जो हमारा ड्रेस में फिटिंग के लिए मार्जिन लिया था वो 2 इंच, इसमें भी हम 2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरफ। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे कपड़ा है ये कितना है उसे हम पहले नाप लेंगे, वो है 7.2, हम उसका 1/2 कर लेंगे, वो होगा 3.5.1। तो मैं यहाँ पे इसे मार्क कर लूँगी और इसे ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। हमने जो वहाँ पे आर्म होल के लिए मेजरमेंट लिया था वो 1.5.2 इंच है, तो इस तरीके से मैं दोनों तरफ 1.5.2 1.5.2 पे मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पे हमारा जो अपर कॉर्नर है वहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप दे दिया है, यहाँ पे हम नीचे अपना दंड घेर, जो हमारे स्लीव्स का घेर होता है उसकी मार्किंग कर लेंगे, वो है 6.5 इंच, उसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और इसे यहाँ से इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसे कट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने ड्रेस में यहाँ पे आर्म होल कट किया था फ्रंट के लिए, उसी तरीके से हम अपने स्लीव्स में भी कट करेंगे। ये हमारा डीप होगा, जो हमारा डीप साइड है वो हमारा फ्रंट में आएगा। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, हमारे अस्तर की कटिंग हो चुकी है, अब हम अपने मेन कपड़े पे इसे कट कर लेंगे। मैंने अपने बैक वाले अस्तर को यहाँ पे अपने मेन कपड़े पे रख लिया है, इसे यहाँ पे रख के मैं इसे ऐसे कट कर लूंगी यहाँ पे पूरे में। मैंने यहाँ पे अपने स्लीव्स के लिए भी डबल फोल्ड करके कपड़ा कट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम सिलाई लगाने के बाद कट कर देंगे। हमारे मेन कपड़े की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेंगे। मैंने यहाँ पे अपने अस्तर के कपड़े को अपने मेन कपड़े पे सीधा रख लिया है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक कैनवास पेपर कट किया था, उसे प्लेस कर लिया है। हमें अपने गले को कैनवास पेपर पे रखते हुए नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, यहाँ पे मैंने इसी तरीके से लिया है। और यहाँ पे जो मैंने ये मार्किंग की है वो 2 लाइंस की है, मैंने इसे पूरे में 2 लाइंस की मार्किंग कर ली है। हम इसी पे सिलाई लगाएंगे, तो पहले हम यहाँ से इस पे गले की सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद हम इसमें हल्के हल्के नॉचेस देंगे, हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई ना कटे। इस तरीके से हम पूरे गले में नॉचेस दे देंगे।
इस तरीके से अंदर की तरफ डाल देंगे। अब हम अपने गले पे यहाँ पे दाब की सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे अपना गला बना लिया है। अब हमारा जो यहाँ पे ओपन कपड़ा है, इसे हम अपने मेन कपड़े पे पूरे में जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे पूरे में दोनों तरफ से। मैंने अपने अस्तर को अपने मेन कपड़े पे जॉइंट कर लिया है। अब मैं ये एक्स्ट्रा कपड़े को पूरे में कट कर लूँगी और इसी तरीके से अपने बैक वाले पार्ट की भी सिलाई कर लूँगी। हमने अपने बैक वाले पार्ट में अस्तर जॉइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग देख लेंगे। मैं यहाँ से ऊपर की तरफ से 13 इंच पर मार्क कर लूँगी। इसके बाद यहाँ से 3.5 इंच पे ऐसे एक मार्क कर लूँगी और यहाँ से 7 इंच पे और 7 का हाफ होता है 3.5, यहाँ पे भी मैं एक मार्किंग कर लूँगी और अंदर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस तरीके से इसे कर्व शेप दे दूँगी। ये हमारी टक्स की मार्किंग हो गई। इसी तरीके से हमने इस वाले साइड भी टक्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पे अपने बैक वाले पार्ट में टक्स लगा लिया है। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से सीधे पे सीधा रखते हुए यहाँ पे शोल्डर की तरफ 1/2 इंच का यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे अपना शोल्डर जॉइन कर लिया है। हमारा जो फ्रंट आर्म होल का कट है, जो डीप है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो मैंने इसे सीधे पे अपने स्लीव्स को प्लेस कर लिया है। अब मैं यहाँ से पहले एक सिलाई लगा लूँगी, फिर इसे पलट लूँगी। हमने अपने स्लीव्स पे सिलाई लगा ली है। हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। इसी तरीके से मैं अपने दूसरी वाली स्लीव्स की भी सिलाई कर लूंगी। अब हम अपने स्लीव्स को अपने ड्रेस पे लगाएंगे। जो हमारा एरो है वो हमारे आगे की तरफ आएगा। हम यहाँ से इसे रखते हुए 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। हमने यहाँ पे अपनी स्लीव्स अटैच कर लिए। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी स्लीव्स लगा लेंगे। हमने यहाँ पे अपनी स्लीव्स अटैच कर लिए। अब हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो आप अपने स्लीव्स के घेर के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं और हमने जो पहले फिटिंग की मार्किंग की थी, हम उस पर सिलाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी कुर्ती को फिटिंग कर लिया है। हमें बस चाक बनाना है। तो चलिए हम इसकी सिलाई देख लेंगे। हम इसे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे
और इसे यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेंगे। हम अपने इस वाले पॉइंट से एक दब आगे तक सिलाई लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से टर्न कर लेंगे अपने कपड़े को, और इस वाले साइड भी ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। हमने अपने एक साइड इस तरीके से चाक बना लिया है, यहाँ पे हम अपने दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही चाक बना लेंगे। हमने अपने दोनों तरफ चाक बना लिया था, अब हम नीचे की तरफ यहाँ पे भी ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम अपने दूसरे साइड भी यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। हमने अपने दोनों तरफ नीचे की तरफ फोल्ड कर लिया है, अब हम यहाँ से किनारे से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे यहाँ से टर्न कर लेंगे। अब हम इस तरफ हमारा जो ये कॉर्नर पॉइंट है इसे थोड़ी ऊपर आके सिलाई रोकेंगे इस तरीके से, और इसे यहाँ से टर्न कर लेंगे। मैंने यहाँ पे चाक बना लिया है, अब मैं अपने गले की तरफ ये वाली लेस लगाऊंगी। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी लेस लगा सकते हैं, मैं इसे यहाँ से पूरे गले में इस लेस को लगा लूंगी। इसी तरीके से हम अपने स्लीव्स में भी इस वाली लेस को अटैच कर लेंगे।